Okay guys, now here question number 10 of the probability chapter which we are continuing. Okay, now there is a piggy bank contain 100 coin of rupees 50. You know that piggy bank जो बच्चों के लिए आता है ना छोटा सा, जिसमें आप छोटे थे जब सेविंग करते थे, तो देयर इज 100 कॉइन ऑफ 50 पैसे एंड 50 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीस एंड 20 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीस एंड 10 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ टोटल ऑफ दिस. हाउ मच टोटल कॉइन्स आर देयर? 150, 150 एंड दैट इज 170 एंड दैट इज 180. सो देयर आर ओवरऑल हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर? 180. Now question is here. It is equally likely that the one coin will be fall out. उसमें से एक coin गिर गया. What is the probability that the coin will be of 50 पैसे? वो जो coin गिर गया, वो कौन सा coin हो सकता है? क्या वो 50 पैसे का coin है? If it is 50 पैसे, what is the probability? So first of all, here we have to find out the 50 पैसे coin. Okay. Now how many coins of 50 paise? You know that there are 100 coin of 50 paise. So probability of the 50 paise coin, probability of the 50 paise coin will be, आप लोगों को पता है ना, is denoted by P of E और इसके ऊपर आएंगे number of 50 paise coin formula. 50 paise coin और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. ठीक है, तो हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन? 100 आउट ऑफ हाउ मच? टोटल इज 180, दैट इज 100 अपॉन 180. तो एक जीरो कट हो जाएगा, तो आंसर 10 अपॉन 80. और 10 अपॉन 80 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में. 2 फाइव्स और 2 नाइन्स आर, दैट मींस आंसर इज 5 अपॉन 9. ओके, योर आंसर इज 5 अपॉन 9. देर इज अ 50 पैसे कॉइन इज 100 एंड टोटल इज 180. सो योर आंसर इज 5 अपॉन 9. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी रुपीज 5 कॉइन? तो हाउ मेनी 5 रुपीज कॉइन आर देर? 10. देर इज 5 रुपीज कॉइन इज 10. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन. प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 rupees coin. Okay, so here we write the formula of 5 rupees coin, number of 5 rupees coin. यहाँ पे मेरे पास space कम है तो मैं formula वापस नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप यही formula वापस use कर सकते हैं. ठीक है, तो 5 rupees coin कितने हैं? 10. और नीचे total coin कितने हैं? 180. So that means के 00 cut, तो what will be the answer? 1 upon 18. But here question is will not be 5 rupees coin. आपको मैंने पीछे भी बताया था कि not जब दे तो फिर वो हो जाता है अपना e bar. ठीक है, और उसकी formula थी 1 minus p of e. So 1 minus 1 upon 18. तो इसका LCM क्या निकलेगा guys? 18. और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे ये 18 दे देंगे और यहाँ 1. So 18 minus 1, इसका final answer क्या आएगा? 17 upon 18. ठीक है, now here is our question number 11. So Gopi buys a fish from the shop for his aquarium. Gopi अपने aquarium के लिए एक fish purchase कर रहे, ठीक है? तो the shopkeeper take out one fish at a random from a fish tank. अब shopkeeper को पता नहीं है, वो अंदर से एक fish निकाल के दी. हाँ, whether it is a 5 male fish, वो जो tank है उसके अंदर male fish कितनी है? 5. और female fish कितनी है? 8. तो what is the probability that fish taken out is a male? तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे? How much male fish are there? 5 male fish. Okay, how many? And how many female fish are there? 8. Okay, so total fish are there in overall 30. So what is the probability that the fish taken out is a male fish? तो यहाँ पे वापस वही जैसे पीछे सब में किया था, probability of fish taken out is male. वो male होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखेंगे number of male fish upon क्या आएगा? Total number of fish. Male fish कितनी है? Male fish is 5 and total number is 13. Your answer is 5/13. Okay.
ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो. आप लोगों को पता है वो गेम जिसके अंदर एक सर्कुलर बोर्ड होता है जिसके ऊपर सारे नंबर्स लिखे होते हैं और उसके ऊपर एक एरो होता है और जब जब इसको राउंड एंड राउंड आप घुमाते हो तब उसके ऊपर जो भी नंबर आता है उसके ऊपर प्राइज मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर है फ्रॉम 1 to 8, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट दैट. अगर मान लो ये एरो 8 नंबर पे पॉइंट करेगा तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पी ऑफ ए लेंगे. ठीक है, अगर 8 नंबर पे पॉइंट करेगा तो व्हाट आर द फेवरेबल आउटकम. 8 कितनी बार आता है ये पूरे राउंड में, सर्कुलर राउंड में एक ही बार आएगा. तो नंबर ऑफ पॉइंटर, नंबर ऑफ 8 ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं. ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. ठीक है ना, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहाँ पे, 8 कितनी बार आएगा, एक बार, और टोटल कितने हैं सारे 8. तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, 1/8. नाउ सेकंड, एन ऑड नंबर, वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर. तो अब सेकंड में भी ऐसा ही करेंगे लेकिन ये इवेंट को नाम देंगे बी. ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर अपॉन टोटल नंबर, नंबर ऑफ ऑड अपॉन टोटल नंबर. ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने हैं यहाँ पे, 1, 3, 5 और 7, टोटल कितने हुए, 4 out of 8. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1/2. नाउ थर्ड, वैसे ही अपने थर्ड करेंगे, अ ग्रेटर नंबर देन 2, अ नंबर इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर होने चाहिए. तो 2 से बड़े नंबर कौन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कितने नंबर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर हुए. ठीक है, तो पी ऑफ सी क्या होगा, नंबर इज ग्रेटर देन 2. ठीक है ना, और यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 2 अपॉन टोटल नंबर. तो कितने हुए थे, आपने काउंट करे ना, 2 से बड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर आउट ऑफ 8. तो ये 2 के टेबल में आएगा, 2, 3 और 2 कितना हुआ, 4 जा. और सबसे लास्ट, अ नंबर लेस देन 9, 9 से लेस होनी चाहिए. तो यहाँ पे गाइस 9 है ही नहीं और 9 से लेस तो सारे ही हो गए, 8 और सारे नंबर हो गए. तो ये इवेंट को नाम डी देंगे. ठीक है, नंबर इज लेस देन 9 अपॉन टोटल नंबर. यहाँ पे तो सारे नंबर आ गए तो 8/8, तो आंसर क्या होगा, 1, क्योंकि 8 और 8 कट हो जाएगा. ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी बहुत इजी है. 12 डिफेक्टिव पेन और 132 गुड वन पेन, ये दोनों पेन आपस में मिक्स हो गई है. ठीक है, दोनों पेन आपस में बाय मिस्टेक मिक्स हो चुकी है. तो टोटल पेन कितनी हुई, 144. तो वन पेन इज टेकन आउट एट अ रैंडम, आपको एक पेन सिलेक्ट करनी है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेकन आउट पेन इज अ गुड, तो वो गुड पेन कौन सी होगी. तो वही यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन. ठीक है ना, तो नंबर ऑफ गुड पेन कितनी है, एक ही सिलेक्ट करनी है ना इसलिए, और नीचे नंबर ऑफ गुड पेन, तो 132 अपॉन 144. ठीक है, तो अब इसको 2 के टेबल में आता है तो जितना हो सके उसको लेस करना है. ठीक है ना, तो 2 6 12 और नीचे आएगा 2 7 14 और 2 2 4. फिर वापस इसको और ज़्यादा कट हो सकता है तो और ज़्यादा कट करो, 233 और 236, और ये 3 के टेबल में आएगा, 3 11 और 3 कितना होगा, 12. तो दैट इज़ अ फाइनल आंसर, 11/12. और ये आज के लास्ट 2 सम है. ठीक है, सबसे पहले सम नंबर 13, अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. डाइस आप लोग को पता है ना कि जिसके ऊपर 6 नंबर होते हैं, टोटल कितने नंबर होते हैं, 6. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर. तो इसका फर्स्ट आंसर कर रहे, ठीक है, फर्स्ट का आंसर कर रहे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के डाइस है वह प्राइम नंबर. तो डाइस के ऊपर प्राइम नंबर कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अंदर प्राइम नंबर पता है ना, जो ऐसे नंबर जो खुद के ही टेबल में आते हैं, जो किसी और के टेबल में नहीं आते, जैसे 1, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. तो पहला नंबर होगा 2, फिर तीसरा नंबर होगा 3 और लास्ट में होगा 5. ये 3 नंबर ऐसे है जो प्राइम कहलाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी मैं लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ प्राइम अपॉन टोटल नंबर.
ठीक है ना, तो प्राइम नंबर कितने हुए, 3, और आउट ऑफ टोटल नंबर 6, तो पहले का आंसर क्या आएगा, 1/2। चलो अब सेकेंड वाला ले लो, उसके अंदर नंबर लाइन बिटवीन 2 और 6, 2 और 6 के बीच वाले नंबर, तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आते हैं गाइस, 3, 4, 5, 3 नंबर आते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे भी यही लिखेंगे, नंबर लाइन बिटवीन, ठीक है ना, ये लिख लेना, और टोटल नंबर, तो 3 नंबर आते हैं आउट ऑफ 6, तो इसका भी आंसर क्या हुआ, 1/2। और लास्ट थर्ड वाला, उसमें बोला ऑड नंबर, तो ऑड नंबर भी 3 आते हैं, 1, 3, 5, ये ऑड नंबर है, ठीक है, ये प्राइम है, प्राइम नंबर इज 2, लेकिन ऑड नंबर में आएंगे 1, 3 और 5, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑड अपॉन टोटल नंबर 3/6। तो यहाँ पे सारे आंसर कोइंसिडेंटली सेम हो गए, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर भी 3 है, ऑड नंबर भी 3 है, और नंबर लाइंग बिटवीन 2 और 6 भी क्या हुए, 3 ही हुए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब, टोटल बल्ब कितने हैं 20, और उसके अंदर से 4 बल्ब कैसे हैं डिफेक्टिव, तो अच्छे बल्ब नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, 16 नॉन डिफेक्टिव हुए ना, लेकिन आप लोग को टोटल 20 ही लेना है, ठीक है, क्योंकि टोटल बल्ब कितने दिए गए 20, तो आपका टोटल बल्ब 20 होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, आपको ऐसा बल्ब सिलेक्ट करना है कि वो डिफेक्टिव होना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, तो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4, और टोटल कितने हैं ये नहीं लेना है, ये लेना है 20, ठीक है, तो 4 अपॉन 20, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसको 4 के टेबल में कट करोगे तो 4 1s and 4 5s, दैट इज योर 1.5। लेकिन यही सब की सेकंड कंडीशन, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट कंडीशन इज नॉट डिफेक्टिव, मान लो कि वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो नॉन डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव नहीं है मतलब नॉन डिफेक्टिव, तो एंड इट इज नॉट रिप्लेस, वो रिप्लेस भी नहीं होगा, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द रेस्ट, ये बाकी के जो बल्ब है उसमें से उसको निकाल दिया है, ठीक है, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, नॉन डिफेक्टिव बल्ब 16 है, उसमें से एक बल्ब रिमूव कर दिया, तो कितने बचे गाइस, 15 बल्ब, और टोटल बल्ब जो था उसमें से भी एक बल्ब निकाल दिया गया, तो उसके अंदर 20 में से 1 निकालोगे तो कितने हुए, 19, तो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ रेस्ट ऑफ बल्ब, ठीक है ना, रेस्ट ऑफ, नंबर ऑफ रेस्ट ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेस्ट ऑफ बल्ब, ठीक है ना, तो इसका आंसर मैंने ऊपर बता ही दिया, 15 अपॉन 19, दैट इज योर फाइनल आंसर, एक बल्ब निकाल दिया है ऐसा लिखा है, देखो नॉट रिप्लेस, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट, के जो बाकी के बल्ब है उसमें से एक सिलेक्ट करना है, तो 16 में से एक बल्ब तो निकाल ही दिया, तो टोटल में से भी तो एक बल्ब निकल ही गया ना, दैट्स व्हाई ये 15 अपॉन क्या होगा 19। ओके, थैंक यू।